20 साल का लड़का यमुनानगर की पश्चिम यमुना नहर में माता रानी की खंडित मूर्ति को प्रवाहित करने के लिए जब यहाँ आता है तो वो खुद ही इस नदी के अंदर प्रवाहित हो जाता है। एक बड़ा मामला यमुनानगर के हमीदा हेड से सामने आ चुका है और आज सुबह की ये तस्वीरें सामने आई हैं जब 20 साल का अभिषेक जो मेहनत मजदूरी का काम करता था और अपने एक साथी के साथ इसी हमीदा हेड पर नीचे की तरफ जाकर देवी माँ की जब खंडित मूर्ति को प्रवाहित करने लगता है तो उसके साथ ही बड़ा हादसा हो जाता है। तमाम तस्वीरें मैं आपको इस समय की दिखा रही हूँ। यहाँ पर मौके पर गोताखोरों की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू करती नज़र आ रही हैं। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर पहुँच चुके हैं। स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो चुकी है और मैं आपको ये दिखाना ज़रूर चाहूँगी कि जिस लड़के के साथ बड़ा हादसा हुआ है जिसका नाम अभिषेक था उसकी जो चप्पलें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नीचे सीढ़ियों पर दिखाई दे रही होंगी क्योंकि यहीं से वो नीचे की तरफ गया था। आसपास के लोगों ने उसे बहुत मना किया कि पानी का बहाव तेज है, नीचे मत जा, तेरे साथ हादसा हो जाएगा, लेकिन उसकी लापरवाही उसे ले डूबती है माता की, जी हाँ, देवी माँ की खंडित मूर्ति को प्रवाहित करते करते वो खुद ही इस दुनिया से चला जाता है। तस्वीरें देख सकते हैं पानी का बहाव किस कदर तेज है। अगर किसी के साथ इस पानी में डूबने से बड़ा हादसा हो रहा है तो हमें नहीं लगता जल्द से जल्द उसकी जो डेड बॉडी है वो मिल सकती है। यहाँ तक कि गोताखोरों को भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीछे से तो बिहार का रहने वाला ये अभिषेक था लेकिन यमुनानगर के हमीदा की नवाब कॉलोनी में वो अपने एक दोस्त के साथ किराए के मकान में रह रहा था। मौके पर हमीदा चौकी इंचार्ज यहाँ पर गुरदयाल भी पहुँचे हुए हैं। डायल 112 की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुँची हुई है। लगातार अभिषेक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन जिस तरह से पानी का बहाव तेज है, पानी की गहराई का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस हिसाब से अगर हम तस्वीरें देखें तो हमें नहीं लगता कि अभिषेक की इस यमुना नदी के अंदर तलाश करना आसान होगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ के जवान हैं, चाहे वो गोताखोर हैं, चाहे वो कोई भी है, जी हाँ, लेकिन लगातार रेस्क्यू चल रहा है। और ये वो शख्स हमारे साथ जुड़ा है जो मौके पर उस समय अभिषेक के साथ था। इसने भी अपने दोस्त को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी लापरवाही का नतीजा क्या सामने आया कि उसकी लापरवाही उसे ही ले डूबती है। माता रानी की खंडित मूर्ति को विसर्जित करते करते, प्रवाह करते करते वो खुद भी इसी नदी के अंदर प्रवाह हो जाता है। तो एक बार ये शख्स हमारे साथ जुड़ा है जो मौके पर यहाँ मौजूद था, इसने सारी हकीकत जो तस्वीरें हैं वो देखी हैं। एक बार मैं इनसे जरूर जान लेती हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है जी। गौरव, हाँ जी, इधर देखिए आप। मेरा नाम गौरव है जी। अभिषेक आपका दोस्त था? अभिषेक मेरा दोस्त था जी। कितने बजे का मामला है जब आप लोग यहाँ आए? मैम ये 2:30 बजे का मामला है जी, ठीक है जी। और मेरे साथ माता की फोटो सलाने आए थे जी हम, वो उसके मैंने उसको मना भी करा, मेरे मना करने के बावजूद भी वो जिद करके नीचे चला गया जी, ठीक है जी। उसको मैंने बोला यहीं से सला दे, उनने नीचे चला गया, उनने नीचे जैसे एक कदम रखा उसका पैर रिपट गया मैम, ठीक है जी। उसको मैंने बोला मका नीचे मत जा, बार बार बोलता रहा, बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ पाया जी। वो अपनी गलती की वजह से मैं नीचे जा गया और उसने अपना पैर का नीचे चला गया जी। वहाँ तक जी वो दूर तक मैंने उसको देखा, वो डूब रहा था। मैंने बहुत आवाज़ें चलाई यहाँ पे, बहुत चिल्लाया जी, मैं किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मेरे को तो मैम तैरने में जाके मैं अंदर पहुँच जाऊँ, तो मैंने उसको देखा वो वहाँ पर जाके नीचे डूब गया जी। तो मौके पर यहाँ पर उस समय कोई लोग नहीं थे मौजूद? मैम मौके पर वो सामने रेडी वाला था जी और दो बाइकें भी थी यहाँ पर, बोले वो चले गए थे जी। मैंने उनको बोला बचा लो मगर मैम किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। तो कितने बजे का मामला था ये? सर मैम मतलब 2:30 का मामला। तो अभिषेक काम क्या करता था? अभिषेक मैम प्लाईबोर्ड में करता था जी, पहले हफ्ते से वो घर पे था जी। मैम रूममेट थे आप दोनों? हाँ जी रूममेट। परिवार में कौन कौन था उसके? उसके परिवार में मैम उसके मदर फादर जी एक्सपायर हो चुके हैं जी, उसका बड़ा ब्रदर है जी, सिस्टर है जी, सिस्टर जी इसकी गंगो में रहती है यूपी में और ब्रदर इसकी राजस्थान में काम करता है। चलिए इसी के चलते आप देख सकते हैं मौके पर हमीदा चौकी इंचार्ज गुरदयाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार पुलिस की ओर से भी अभिषेक की तलाश जारी है लेकिन पानी की गहराई के चलते बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ के जवान हैं, चाहे वो गोताखोर हैं, चाहे वो पुलिस की टीमें हैं। तो एक बार गुरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला इनसे भी जान लेते हैं कि इनके संज्ञान में कितने बजे ये मामला आता है। गुरदयाल सर क्या कहना चाहेंगे, 20 साल का लड़का जो हमीदा हेड की इस नहर में डूब गया है, क्या है ये पूरा मामला? जी हाँ, एक बिहार से लड़का सिवान से है, यहाँ पे रहता है, बिहार का एक लड़का है, सिवान जिले का रहने वाला लड़का है अभिषेक यादव। वो यहाँ पे मजदूरी करता है, प्लाई फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर में पुरानी मूर्ति थी देवी माता रानी की थी, उनको प्रवाहित करने के लिए यहाँ पे आया था अपने दोस्त गौरव के साथ भी। तो जैसे ही वो उन मूर्तियों को प्रवाहित करने के लिए नीचे गया तो उसको वहाँ से पैर सिकड़ करके वो नीचे गिर गया उनके साथ जी।
गौरव ने उसको समझाया भी है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, अपने बच्चों को अपने जो हम जो युवा है वो यहाँ नहाने के चक्कर में और ऐसे अपनी जान से जोखिम में मत डालें। हमारी यहाँ ईआरवी भी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है लेकिन लोग प्यार से समझाने से मानते भी नहीं हैं। अब देखो 20 वर्षीय नवयुवक है वो पानी के बहाव में बह गया है और हम पुलिस उसको लगातार तलाश कर रही है, एनडीआरएफ की टीमें आ चुकी हैं और उसकी हम आगे भी हमारे जवान गए हुए हैं और आगे भी देख रहे हैं टाइप किया हुआ है। तो क्या लगते हैं सर कितनी मुश्किलें आ रही है, जिस तरह से पानी का जो जल स्तर है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, गहराई अगर हम इसकी वो करें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ रही है इतने बहाव में कहाँ गोताखर यहाँ से भी निकल पाएगा। जब बॉडी उसकी डूब चुकी है तो अब तो 3 दिन बाद ही जैसे है बाहर आए के भी पता नहीं चाहे उसकी तलाश के आगे भी हमें मैसेज कर दिया है संपर्क में ढूंढने के लिए। जो आसार है क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं, क्या आसार सामने आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए बहता हुआ तो दिखा सामने दूर तक नजर आया है, गौरव के मुताबिक भी नजर आया है और आगे भी हम तलाश कर रहे हैं, गोताखोरों की मदद ले रहे हैं, अपनी एनडीआरएफ की टीम भी इसमें लगी हुई है। तो गुरदयाल सर जिला वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा है कि देखो पानी इससे कोई अपनी जान जोखिम में ऐसे नहीं डाले, कोई खेल तमाशा नहीं है ऐसे। अब युवा है उसको समझाया, गौरव ने भी आवाज़ें लगाई नीचे मत जाओ, उसका मकसद था कि मूर्ति के साथ साथ अपने सर के ऊपर भी पानी ऐसे वाले कहीं कम जगह में जाकर देख लेता, दूर से प्रवाहित कर देता वो अपनी मूर्ति करते थे। अब उसकी थोड़ी सी लापरवाही से जान चली गई है। अब इससे हम अपने और लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो अपनी जान जोखिम मत डालो और दूर रहें, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 20 साल के लड़के ने इस नहर के अंदर अपनी जान गंवा दी। माँ बाप का साया उसके सर पर नहीं था, एक भाई है जो राजस्थान में मेहनत मजदूरी करता है, बहन शादीशुदा है और वह उत्तर प्रदेश में अपनी गृहस्थी बसा रही है, लेकिन बहन को भी क्या पता था कि राखी का त्यौहार आने वाला है और उसका एक भाई उसे छोड़कर इस दुनिया से ही अलविदा कहकर चला जाएगा। बल्कि अभिषेक का जो साथी उस समय देवी माँ की खंडित मूर्ति को प्रवाह करने के लिए जब उसके साथ यहाँ पर आया था तो उसकी ओर से भी लगातार यही बोला जा रहा था कि पानी की गहराई बहुत तेज़ है, नीचे मत जा, तेरे साथ बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन उसकी जो लापरवाही है उसे ले डूबती है और देवी माँ की खंडित मूर्ति को प्रवाह करते करते अभिषेक के साथ ही बड़ा हादसा हो जाता है। लगातार पुलिस की ओर से, गोताखोरों की ओर से, एनडीआरएफ के जवानों की ओर से अभिषेक की तलाश जारी है, लेकिन पानी का जल सर जिस तरह से तेज है, गहराई तेज है, उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं अभिषेक को ढूंढने में। तो अभी नहीं पता डेड बॉडी कहाँ पर है, हो सकता है कि डेड बॉडी का जो बहाव मतलब पानी के बहाव की वजह से डेड बॉडी आगे की तरफ बह चुकी है, लेकिन अभी तक क्या कुछ है अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन 20 वर्षीय लड़के के इसी हमीदा हेड पर नहर के अंदर डूबने का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। तो आप लोगों से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें और खासकर अभी भी यमुना नदी के आसपास जितने भी रहने वाले लोग हैं वो यमुना नदी से दूर रहें, क्योंकि कब आपके साथ बड़ा हादसा हो जाए आप लोगों को भी शायद पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों दिल दहला देने वाली तस्वीरें एक बार फिर से यमुना नगर के हमीदा हेड से सामने आ चुकी हैं। तो इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुना नगर के हमीदा हेड से मंदीप कर की रिपोर्ट।